एनएमसी बिल के खिलाफ डॉक्टरों ने डीएमसीएच में हड़ताल किया तो स्थानीय मरीज ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बता दें कि विरोध प्रदर्शन में लोग डीएमसीएच के पास सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करने लग गए, जिसके कारण कुछ देर के लिए जाम हो गया। हालांकि कुछ देर के बाद ही यह जाम छूट गया, लेकिन आए दिन हो रहे हड़ताल की वजह से मरीज के परिजन ने परेशान होकर के सड़क को जाम कर अपना गुस्सा जाहिर करने लगा। ये रोड जाम के हमारे इमरजेंसी का एकदम सीरियस हालत है, लेकिन हम लेकर गए तो डंडा दिखा रहा है और धक्का मार के निकाल दे मारने के लिए। आप देखिए मैं हम बैठा के रखे हुए हैं, 3,000 रुपया हम भाड़ा करके लाए हैं, किस लिए लेकर हम 3,000 रुपया भाड़ा करके लाए हैं कि सरकारी में जाएंगे तभी तो कुछ फायदा होगा। जब उसी को मार के भगाएंगे तो फिर हम लोग लेकर कहाँ जाएंगे, पहले ये बताइए। कहाँ से लेकर आए? हम रामभद्रपुर से लेकर आए। पेशेंट कहाँ पर आए? पेशेंट वहाँ पे टेम्पू में रखे हुए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम शाहजहाँ है। इसीलिए रोड जाम किया है? जी, इसीलिए रोड जाम किए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग मखनाई से आए हैं, बहुत बहुत दूर से आदमी आए हैं, हम लोग इमरजेंसी में, उसीलिए हम लोग रोड जाम किए। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अपने हड़ताल पर चले गए, हम लोग यहाँ पे क्या रोड जाम? रोड जाम किए हुए हम लोग, क्या गरीब आदमी मिल जाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हड़ताल की वजह से सुनसान है रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ से लोग हजारों लोग यहाँ आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इलाज कराते थे, लेकिन आज हड़ताल की वजह से यह सुनसान लग रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवा शुरू है। बता दें कि इस हड़ताल की वजह से लोग गुस्सा में थे और जिसके लिए थोड़ी देर के लिए सड़क को जाम कर दिए थे। दरभंगा सहित मधुबनी, समस्तीपुर और नेपाल के तराई क्षेत्र से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। लगभग हजारों के संख्या में लोग दरभंगा में इलाज के लिए आते हैं। हालांकि डॉक्टरों की भी मजबूरी है कि वह हड़ताल कर अपनी मांग को पूरा करें, जिसके वजह से मरीज को भी थोड़ी कठिनाई तो होती ही है, लेकिन डॉक्टर को भी अपना मजबूरी है क्योंकि उनकी मांग भी जायज़ है, उनकी मांग भी पूरा होना भी अति आवश्यक है, इसलिए डॉक्टर भी अपना हड़ताल करते हैं। दूर दराज से आए मरीज को लौटना पड़ता है, कारण है कि हड़ताल की सूचना उन्हें नहीं मिल पाती है और दूर दराज देहात से लोग आते हैं, जिसके वजह परेशान हो जाते हैं।